उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित नारी शक्ति स्वरूपा प्रदेश संगठन ने धरना दिया। उत्तराखंड मास्टर ट्रेनर श्यामा चौहान ने बताया कि अधिकांश पूरे राज्य में बीते पिछले एक वर्ष से टेक होम राशन का कोई भुगतान नहीं किया गया। इसका कारण विभाग के अधिकारी अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। कोई कहता है बजट नहीं है, कोई कहता है सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। पिछले कई माह से समूह की महिलाएं अपने अपने स्तर से विभागों में जाकर जानकारी ले रही हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग टेक होम राशन वितरण का कार्य कर रहे थे बाल विकास विभाग के माध्यम से। 8 साल हो गए, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे, जिसके लिए हमारी बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया गया, राज्य स्तरीय सचिव होकर भी पुरस्कार भी मिला। लेकिन अचानक ही अभी एक विज्ञप्ति निकली अगस्त में और हमारे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह को बेरोजगार कर दिया गया और 1 साल से हमारा भुगतान भी नहीं किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन से शासनादेश के तहत पहले तो विज्ञप्ति निकाली, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया और हमारा भुगतान भी नहीं किया। क्या सरकार ये नहीं देखती कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे।